नमस्कार दोस्तों, सुमन किचन में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बनाएंगे बंगाल की मशहूर मिठाई सोनदेश, और इसे कई लोग कांचा गोला भी बोलते हैं। और इसको बनाने के लिए ये देखिए, हमने 300 ग्राम पनीर लिया है और इसे अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। पनीर आप घर में भी फाड़ सकते हैं, मैंने ये मार्केट से लिया है। और इसे हम अच्छी तरह से हाथ से क्रम्बल कर लेते हैं। ये देखिए, हमने अच्छी तरह से इसे, आप चाहें तो इसे ब्रेड भी कर सकते हैं कद्दूकस से, और हमने इसे हाथ से ही क्रम्बल कर लिया है। और इसे हम अच्छी तरह से उंगलियों की सहायता से अच्छी तरह से रगड़ के बिल्कुल इसे ही चिकना कर लेंगे। बड़ी आसानी से बन जाने वाली मिठाई है और खाने में अच्छी लगती है, सभी को पसंद आती है। ये देखिए, इसे हम कम से कम 5 मिनट तक अच्छी तरह से रगड़ेंगे, जिससे कि शौक खुशा हो जाएगा। और इसके बाद में इसे हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं, इसे हम धीमी आंच पर थोड़ी देर पका लेंगे। आंच बिल्कुल धीमी रखें, धीमी आंच पर ही हमें इसे पकाना है। यदि आंच तेज हो जाएगी तो ये थोड़ा सा हार्ड सा भी हो जाएगा और जलने की भी हो रहेगी, इस करके इसे आप धीमी आंच पर ही पकाएं। ये देखिए, इसे हम धीमी आंच पर कम से कम 3 से 4 मिनट पकाएंगे। और ये लगभग हमारा हो चुका है। तो अब इसे हम गैस को ऑफ कर देंगे और 4 मिनट तक ही मुझे इसे पकाना है। ये देखिए, हमने इसे थाली में निकाल लिया है और ये थोड़ा सा इसे हम अच्छी तरह से दोबारा से इसको अच्छी तरह से रगड़ते हुए बिल्कुल क्रीमी सा करेंगे। इसे हम जितना बढ़िया से रगड़ेंगे उतनी अच्छी हमारा कांचा गोला वो सोनदेश बनेगा। ये देखिए, हमारा बिल्कुल एकदम क्रीमी सा हो चुका है। अब इसमें हम, ये देखिए, 1/4 कटोरी करीब हमने चीनी ली है। चीनी हमारी करीब 150 ग्राम के करीब होगी। 300 ग्राम हमारा पनीर था और उससे आधी हमने इसमें चीनी ऐड की। इसे हम अच्छी तरह से हाथ से ही मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद में इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे। ये देखिए, हमारा पनीर और चीनी मिल चुकी है, थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देते हैं। इसके बाद में हम दोबारा से कढ़ाई गर्म करने को चढ़ाएंगे। ये देखिए, कढ़ाई में दोबारा से धीमी आंच पर चढ़ा दी है और अब हम इसे दोबारा से खोए डाल के पकाएंगे। आंच में धीमी ही रखनी है
और धीमी आंच पर ही हम इसे चलाते हुए ही पकाएंगे। और जैसे जैसे ये चीनी हमारी गर्म होगी तो थोड़ा सा ये पतला हो जाएगा, क्योंकि हमें उससे घबराना नहीं है और चलाते रहना है। थोड़ी देर जब हम इसे चलाते रहेंगे तो ये अपने आप से फिर से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं हमारा बिल्कुल पतला भी हो चुका है, और जैसे जैसे इसे हम चलाते रहेंगे ये एक जगह पर इकट्ठा होने लगेगा आराम के साथ। ये एक जगह हमें इकट्ठा करने में आसानी हो जाएगी, कढ़ाई को छोड़ने लगेगा। देखिए ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा कढ़ाई में इकट्ठा होना शुरू हो गया है, कढ़ाई में लगना कम हो गया है। और इसे हम एक से डेढ़ मिनट और चलाने के बाद में फिर हम गैस को ऑफ कर देंगे। और ये लगभग हमारा तैयार हो चुका है, और गैस अब हम ऑफ कर देते हैं और इसे हम कढ़ाई में ही चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। इसे मैं गैस बंद करने के बाद भी चलाना नहीं बंद करना है, यदि चलाना बंद कर देंगे तो ये नीचे नीचे लाल पड़ जाएगा। और ये देखिए इसे हम थाली में निकाल लेते हैं, पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसे हम ठंडा कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, और ये ठंडा होने के बाद इसे हम जैसा आकार चाहे वैसा आकार दे सकते हैं। आप थोड़ा हम इसे राउंड शेप में बना रहे हैं, आप चाहें तो थोड़ा बड़े या थोड़ा छोटे, जैसे गोले बनाना चाहते हैं उस तरह का आप शेप दे सकते हैं, या आप लंबे आकार में भी बना सकते हैं, या आप गोल करने के बाद थोड़ा सा पुश करके भी बना सकते हैं। आपको जैसा आकार पसंद हो आप उस आकार में बनाएं। ये देखिए हम इसी तरह से सारे संदेश बना लेंगे, और इसके ऊपर से ये हम पिस्ता लगा देते हैं। ये देखने में अच्छा लगता है, ये देखिए पिस्ता हमने काट के रखे हैं, वो एक एक पीस लगाते जाएंगे। और इसी तरह से हम सारे संदेश बनाकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों ये गर्मा गर्म खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे भी ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। बंगाल की ये बहुत प्रसिद्ध मिठाई है, दोस्तों एक बार इसे संदेश या खाचा गोला को आप अपने घर पर बनाएं, बड़ी आसानी से बन जाने वाली चीज है, खाने में बहुत बढ़िया, सभी को बहुत पसंद आने वाली है। दोस्तों ये देखिए इसी तरह से हम सारे संदेश तैयार कर लेते हैं। एक बार आप ट्राई जरूर करना, और ये मिठाई भी आपको बहुत पसंद आएगी। उम्मीद है कि आप जरूर बनाएंगे घर पर। तो हम जो इतनी महंगी महंगी मिठाइयां त्योहारों पर बाहर से लाते हैं वो हम बड़ी आसानी से अपने घरों में भी बना सकते हैं। मुझे तो उम्मीद है कि ये रक्षाबंधन पर इस बार आप अपने घर में खुद प्योर मिठाई बना के
और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। अपने बच्चों को प्योर चीजें खिलाना पसंद करेंगे। देख सकते हैं आप, हमारे सोमदेश लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना। ये देखिए हमारे सारे सोमदेश बनके तैयार हो गए हैं। दोस्तों ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, एक बार आप ट्राई करोगे आपको खुद पता चल जाएगा कि इतनी आसानी से सारी मिठाई हम अपने घर में बना सकते हैं और बहुत ही कम खर्चे में। ये देखिए हमारे सोमदेश बनके रेडी हो चुके हैं। दोस्तों एक बार जरूर आप ट्राई करना, सभी को पसंद आने वाली मिठाई है ये। ये देखिए देखने में जितने अच्छे दिख रहे हैं खाने में भी दोस्तों उतने ही बढ़िया है। बच्चे और बड़े सभी को पसंद आएंगे। दोस्तों एक बार जरूर ट्राई करना। थैंक यू, धन्यवाद।